बेसिक ये जो टर्म है आप इसको पहले देख लीजिए। बेसिक टर्म पी से प्रिंसिपल, ए से अमाउंट, सी आई से कंपाउंड इंटरेस्ट, आर से रेट, टी से टाइम। आप इसको देख लीजिए पहले, इसको हम लोग बेसिक टर्म पीसी का यूज करेंगे। आप समझे ना, सी आई देखिए, एक सी आई है कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक वाला देखिए सी आई ए। सी आई ए का नाम सुने आप लोग, ये क्या है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये क्या है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। जिस तरह इंडिया कौन सी है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसी तरह सीआईए है। तो हम लोग इसका भी बात नहीं करेंगे, याद कर लेना। सीआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, आईबी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई जनरल का एग्जाम दीजिएगा तो हम लोग सीआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, आईबी का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब देख लीजिए। तो हम लोग इसको टर्म को आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पी का मान कितना दिया है, 800 दिया है ना। आर का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 5%। टी का मान कितना दिया है बाबू, 2 दिया ना। तो देखो हम लोग इसको टारगेट क्या करेंगे, जो जो आर है ना, परसेंट को तोड़ेंगे, मतलब जो दर दिया उसको तोड़ेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, 5/100, ये तोड़ना आता है ना, परसेंट का माने होता है 100। तो देखो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20 हुआ ना। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, पी ए, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 20 है ना, तो 20 लिख देते हैं, और यह 20 और एक जो ऊपर जितना रहता है, जितना अंश रहता है हर को जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया, 21 हो गया। 21 हो गया ना, कितना समय के कह रही है, 2 वर्ष के लिए। तो 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए बाबू, स्क्वायर करने का आपका 1 से लेकर 20 तक आपका स्क्वायर आप रट लीजिए, कम से कम रटिएगा तभी। तो देखिए 2 × 2 = 4 होगा ना बाबू, 2 को 0 बढ़ जाएगा, 21 कितना, 4 से 41, तो 4 से 41 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बाबू, घटाते हैं, तो वो क्या निकलता है, घटाते हैं तो क्या, सी आई का मान निकलता है, समझ रहे ना। तो कितना होगा घटाएंगे, तो 41 हो गया, 41 हो गया ना। अब पी का मान कितना दिया बाबू बताओ, तो पी का मान कितना दिया, 800। तो इसके नीचे लिख देते हैं 800, समझ रहे हैं नू। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, तो मतलब 800 ऊपर लिखते हैं और 400 नीचे, तो कट गया कितना मर्त में, 2 मर्त में कटा नू। तो कितना कटा है बोलो, 2 मर्त में कट गया। तब इसमें क्या करेंगे, इसको इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया बोलो, 82 हुआ। आंसर में कट रही यहाँ पे 82 है ना। अब देखो अगर तुम लोग क्या करोगे, सूत्र पर अगर तुम सूत्र पर बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ना नौकरी मिलेगी ना छोकरी मिलेगी, बस टाइम कट जाएगा, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो एक बार सूत्र पर बना के चेक कर लेते हैं। देखो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखो यही ना होता है, 1 + r/100 t⁻¹ ये होता है ना। अब इसको देखो, इसको एक बार बनाएंगे उसके बाद दोबारा कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लेता है। ई करिएगा ना तो ना आपको नौकरी मिलेगी ना छोकरी, बस बनाते रहिएगा, मास्टर का डिग्री कोई मिलेगा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते रहिए बस। तो देखिए पी का मान कितना है बाबू बोलो, तो यहाँ पे 800 लिख देते हैं, चलो 1 + r का मान कितना है, 5, टी का मान 2 है - 1, कितना होगा, कितना, 1/4 = 0 बैठ जाएगा बाबू बोलो, तो बैठेगा ना 4 को 0। तो हम प्रेस्टिक है इसलिए जल्दी बना, तो मैं भी गुणा करता है, 105 यहाँ पर कर लेना आप लोग, 105 × 105 तो कितना आएगा, इतना आएगा, समझ रहे ना, मैं थोड़ा याद हो गया, प्रेस्टिक कर लिया हूँ। तो इसको घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, अब तुम लोग कर लेना, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, कितना होगा देखो यहाँ पर 0 इतना आ गया, ठीक है ना। इतना करोड़ रुपये इतना टाइम है, तो बताइए आप लोग का कभी जॉब होगा, नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, केवल सरकारी स्कूल में पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाना है, मास्टर बनिए। अगर आपको ट्रिक बनना है, जॉब चाहिए, तो एकदम ट्रिक पर फॉलो कर दिए, कैसे जी। अब दूसरा हम लोग सवाल देखते हैं, चलिए देखिए, बिना नौकरी के देखिए आप लोग कैसे छोकरी नहीं मिलती, उसी तरह बिना ट्रिक के बिना आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे समंदर की मछली, लड़की का दिल, करेंसी नोट पर किसी का नाम नहीं लिखा, जिसकी लगी उसकी जमी। तो जो मेहनत ज्यादा करेगा वही लाइफ में सक्सेस करेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। तो लेट अस स्टार्ट, क्या बोलते हैं परसेंटेज, परसेंटेज का माना हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 100 क्या लिखते हैं बाबू, 1/100 ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको भी हम लिख सकते हैं 1/100, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 1 रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लिख रहे हैं 5%, तो क्या लिखेंगे भाई, 5/100, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखिए बट कितना है, 5% है ना, तो 5/ कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, पहले कटा लेंगे, तो कटाओ तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20 हुआ बाबू। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पी और लिखते हैं ए, ए माने समझ रहे हैं अमाउंट, मिश्र धन, पी माने प्रिंसिपल मूलधन। आप इसको समझ सकते हैं, आप लोग इतना बुर्बक नहीं है, समझ रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 20 है ना, तो 20 यहाँ लिख देते हैं, एक इसमें कितना है, 1, तो 21 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो कितना साल का पूछा था बाबू, 2 वर्ष के, तो 2 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत है बोलो। तो आपको पहले क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, जो याद कर लेगा
वो हीरो हो गया। तो देखिए दो दूना चार और दो जीरो बैठेगा ना, 21 का स्क्वायर कितना था बाबू, 441 होता है, कितना होता है 441 होता है ना बाबू। तो देखो इसको क्या करना है, घटाना है, क्या करना है घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 41 हो गया ना बाबू। और देखो पी का मान कितना है, प्रिंसिपल मूलधन हाथ में रखा कह रहा है ना, पी का मान कितना है 800, तो इधर लिख दो 800। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है भाग करना है, क्या करना है भाग, तो कितना आएगा दो मार्क में जाएगा, दिख रहा है ना 400 दुना देख रहा है ना 800, कितना 200 मत गया ना। अब इसमें क्या कर देना, गुणा कर देना, कर दो 41 दुना कितना होगा 82। देखो तो बाबू कहीं 82 आया है, यहाँ पर आया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को तोड़ेंगे, दर को तोड़ेंगे, तो समझ में देखिए 20% है ना, तो 20% क्या लिखेंगे 20/100, एकदम आराम आराम से देखिए 2 × 2 = 10, नीचे वाला प्रिंसिपल बैठा है ऊपर वाला अमाउंट, तो हम लोग क्या लिख देंगे पी ए, पी से प्रिंसिपल ए से अमाउंट, पी से प्रिंसिपल मैंने मूलधन ए से अमाउंट मिश्रधन, देख रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे 5 × 5 लिख देगा, 5 × 1 = 6 बढ़ा के लिख देते हैं, तो कितना हो गया 6, मतलब जितना अंश रहेगा उसको अंश को जोड़ लेते हैं हर में, वहां पर लिख देते हैं। देखिए अब ध्यान सुनिए, कितने वर्ष का कह रहा है, 2 वर्ष का कह रहा है, हिंदी में लिख दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग स्क्वायर करते हैं 2 वर्ष के लिए है, तो 50, 25, 36 अब इसको हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, तो वही क्या निकलता है सी आई का मान निकलता है, समझ रहे हो। तो 25 में से 36 गया तो कितना बचा 11 बचा। अब बताइए पी का मान कितना दिया है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है ना, कितना बा 16,000, तो जा लिख दो 16,000, आराम से 16,000 लिख दो, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग देते हैं, तो भाग क्या करेंगे अलग दे देंगे, जिसको आएगा भाग जल्दी से जल्दी भाग दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग कहाँ से भाग देते हैं, 16,000 ऊपर कर देंगे और नीचे काट देंगे 25, तो 5 से कटा देते हैं, 5 × 25 5 × 3 = 15 5 × 2 = 10 हुआ, 5 × 5 = 5 5 × 6 = 36 5 × 4 = 20 इतना हुआ नू। अब देखिए हम क्या करते हैं, ईद कितना आया 64 इतना है ना जी। अब इसको क्या करते हैं, हम इसमें गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं गुणा, तो आंसर निकल जाएगा, कर दीजिए गुणा कर लिए ऊपर नीचे कर दे, देखिए 6 × 4 = 0 × 11 समझ रहे हैं ना, देखिए तो कितना करेगा 70 = 40 गुणा थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, एकदम इजी है ऐसे कर देंगे, तो कितना हो गया 70 = 40। अब बताइए तो किसमें आंसर दिख रहा है 70 = 40, यहाँ पे 70 = 40 बना, आप लोग ट्राई करिए। पहले हम लोग को करना क्या होता है, क्या होता है दो, मतलब क्या करता है, जो जितना रेट रहता है उतने को हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं, तो कितना परसेंट है 10%, 10% को तोड़िए 10/100, ठीक है 0 से 0 कट गया, कितना बचा इतना, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है ऊपर वाला अमाउंट होता है, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे पी और ए, ठीक है। तो पी का मान कितना है 10, तो अमाउंट में क्या करते हैं अंश और हर को जोड़ देते हैं, तो 10 × 1 = 11। अब कितना बरिश का कह रहा है, कितना समय का कह रहा है 3, तो क्यूब कर दीजिए, ठीक है। अगर 2 वर्ष का तो 2 का स्क्वायर 4 × 4 करते, तो देखिए कितना हो गया 3 × 0 बैठ का, इसका कितना होगा 13 = 31। आप इसको क्यूब याद रखिए, मैं रटा हूं इसलिए, तो इसको क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, तो ये क्या निकलता है सी आई का मान निकलता है, तो कितना होगा 331, ठीक है। और अब देखिए पी कितना दिया है प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है 2000, तो नीचे इसके सामने प्रिंसिपल लिख देंगे 2000 लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग भाग करते हैं, क्या करते हैं भाग, तो ऐसे ही भी दिख रहा है नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 2000 में किससे भाग करना है 1000 से, कितना 2 मर्त में गया 2 आया नू, तो 2 कितना है 2 सी आई कितना है इतना है, तो इसको 2 गुना कितना गुना 2 वर्ष इसे क्या कर दिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, तो कितना हो जाएगा कर दो यहाँ पर कर दो, देखिए तो इतना आया कहाँ पे है यहाँ पे है, कितना आसान है। आप लोग इसको देखिए सॉल्व करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप लोग प्रैक्टिस करिए।